Hello friends, welcome to Mission IS. Now friends, in this video I am going to explain and decode the preamble and the importance of preamble for your upcoming prelim exam as well as mains exam. Because preamble se aap dekhiye har saal every year UPSC at least one or two question generally ask from preamble. इतना सी एक पेज का प्रियम्बल है, लेकिन आपको डिकोड करना है कि एक एक के मीनिंग क्या है, राइट। तो इस वीडियो में 3 से 4 मिनट में मैं आपको कवर कर दूंगा और हर एक के मीनिंग बता दूंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए। सबसे पहले आ जाते हैं कि प्रियम्बल की मीनिंग क्या है, राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सबसे पहले आपको तारीख याद रखना है कि हमारा जो इंडिया आज़ाद हुआ, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, वहाँ से लेके 26 नवंबर 1950 तक, राइट, सॉरी 1949 26 नवंबर 1949, ये पीरियड के दौरान हमारा प्रियम्बल बन के तैयार हुआ, और सॉरी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के तैयार हुआ। एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ मिक्सचर ऑफ द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया के जैसे USA के, UK के, रशिया के, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो अच्छाइयाँ हैं वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई है। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम एंड द पीरियड रिक्वायर्ड 2 years 11 months, 2 साल 11 महीने करीब लगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, जो कि 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ। एंड इट वॉज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 26 जनवरी 1950, दैट्स वाई एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे, राइट। सो अब आ जाते हैं, ये देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू अ सवेरियन। अब सवेरियन की मीनिंग क्या है, सॉरियन या सवेरियन बोलो, इसकी मीनिंग है कि वी द कंट्री इंडिया इज इंडिपेंडेंट फॉर मेकिंग इट्स पॉलिसी रूल्स रेगुलेशंस लॉ एंड ऑर्डर, राइट। बिफोर 1947 वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजी हुकूमत थी 1947 से पहले, राइट। तो वी आर नॉट सवेरियन, सवेरियन मतलब आज़ाद। इंडिया के अफेयर्स में, इंडिया की पॉलिसी मैटर में किसी दूसरे कंट्री का दखल अंदाजी नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं है, राइट। कोई दूसरा कंट्री, USA, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह, अब इंडिया के पॉलिसी मैटर में, लॉ रेगुलेशन बनाने में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। नेक्स्ट, सोशलिस्ट मतलब इंडिया द सोशलिस्ट मतलब आप जानते हैं कि हमारे जो टैक्सेशन सिस्टम है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स लाइक GST, डायरेक्ट टैक्स मनी के इनकम टैक्स, ये है क्यों, ताकि अमीर ज़्यादा अमीर ना हो, गरीब ज़्यादा गरीब ना हो, राइट। सोसाइटी में इक्वलिटी मेंटेन रखने के लिए, इक्विलिब्रियम कायम रखने के लिए सोशलिस्ट इंडिया अडॉप्टेड द सोशलिस्ट स्ट्रक्चर आल्सो, राइट। मींस इसलिए टैक्स, जो बहुत ज़्यादा अमीर है उनसे टैक्सेस वसूल करके और वेलफेयर स्कीम में खर्चा किया जाता है। अब कोरोना काल के दौरान आपने देखा कि गरीबों को फ्री में अनाज मिल रहा था, है ना, तो ये गरीब अमीरों से टैक्सेस लेके उनको बांटा गया। सेक्युलर नेचर, सेक्युलर मीन्स देर इज़ नो वन पर्टिकुलर कंट्री। अच्छा, सोशलिस्ट के अलावा एक और बता दूँ कि इंडिया अडॉप्टेड द सोशलिस्ट नेचर के टैक्सेस के जरिए ले हो, लेकिन चाइना में कम्युनिज्म है, कम्युनलिज्म नहीं है, कम्युनलिज्म रिलीजियस से रिलेटेड है, चाइना में कम्युनिज्म मीन्स NIA, कम्युनिज्म मीन्स के हर कोई बराबर है, यानी किसी के पास ज़्यादा अगर ज़मीन है तो ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, हर किसी के पास बराबर बराबर रहना चाहिए, यानी अगर किसी के पास ज़्यादा है तो उससे छीन के दूसरे को दे दो, उसका मीनिंग है कम्युनिज्म। सो इंडिया नॉट अडॉप्टेड, कम्युनिज्म बहुत एक्सट्रीम चला गया, इसलिए इंडिया ने सोशलिस्ट स्ट्रक्चर अपनाया। नेक्स्ट है सेक्युलर, सेक्युलर मीन्स सेक्युलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम में हो सकता है इस पर आ जाए। सेक्युलर मतलब इंडिया अडॉप्टेड है सेक्युलर स्ट्रक्चर, मीन्स देर इज़ नो वन पर्टिकुलर रीजन, सॉरी देर इज़ नो वन पर्टिकुलर रिलीजन डोमिनेटेड ओवर इंडिया। लाइक सऊदी अरबिया में इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी गवर्नमेंट है, चाहे पाकिस्तान में भी इस्लामिक गवर्नमेंट नहीं, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, बहुत सारे गल्फ कंट्रीज़ में इस्लामिक गवर्नमेंट है, यानी मुसलमानों की हुकूमत है, राइट। तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर रिलीजन की हुकूमत है, लेकिन इंडिया अडॉप्टेड द सेक्युलर रिलीजन मतलब गिविंग इंपॉर्टेंस टू ऑल रिलीजन, देर इज़ नो पर्टिकुलर रिलीजन, एक खास रिलीजन को। वाई इंडिया में 80% हिंदूज है, लेकिन सब सेक्युलर स्ट्रक्चर में अपनाया गया, यानी कि सारे रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया। डेमोक्रेटिक मतलब पीपल चॉइस गवर्नमेंट, रिपब्लिक यानी यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, हेड ऑफ द स्टेट इज अ प्रेसिडेंट, रिपब्लिक दैट इज इलेक्टेड, जो कि इलेक्टेड है, प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है। जस्टिस एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, सारे सिटीजन की सिक्योरिटी क्या, किस तरीके से की गई है, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। नाउ यूपीएससी में प्रीलिम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट हैज़ गिवन
द जस्टिस इन अ प्रियम्बल जस्टिस टू द ऑल द पीपल, सोशल ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट रहेगा, इकोनॉमिक स्टेटमेंट सेकंड, ऐसे और हो सकता है कि फिर एजुकेशन भी स्टेटमेंट में आ जाए। तो इस तरीके से आपको याद ध्यान रखना है कि जस्टिस गिवन फॉर द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप के एक लिबर्टी आज़ादी किसकी है अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए एक्सप्रेशन अपना जो भी कोई भी एनी इंडियन सिटीजन कैन अडॉप्ट एनी रिलीजन, कोई भी मज़हब को अपना सकता है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है, किसी भी मज़हब की वो इबादत कर सकता है, वर्शिप पूजा कर सकता है, राइट। देर इज़ नो डोमिनेशन कि तुमको एक ही रिलीजन अपनाना है, लिबर्टी ऑफ थाट एक्सप्रेशन बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप दिया गया है, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, इक्वेलिटी दी गई है स्टेटस में, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। लेकिन आज़ादी से पहले आपने सुना होगा कि अनटचेबिलिटी था, छूत छात वगैरह चलता था, ऊँची जात नीची जात चलती थी, ये सारी चीज़ें हमारे प्रियम्बल बनने के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद सारी चीज़ें खत्म कर दी गई है। लास्ट वन इज अ फ्रैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी एंड द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, कि फ्रैटर्निटी दी गई है। फ्रैटर्निटी वर्ड हमें कहाँ से लिया, द इक्वेलिटी इन फ्रैटर्निटी वी अडॉप्टेड फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, वाइल द जस्टिस वी अडॉप्टेड फ्रॉम द रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, लिबर्टी वी अडॉप्टेड फ्रॉम द US कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। एंड दो चीज़ बता दूं कि लास्ट में आप देखो यहाँ पे नंबर वन लिखा हुआ है और यहाँ नंबर टू लिखा हुआ है, वाई, बिकॉज 1976 में जो अमेंडमेंट किया गया था जिसको कहते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत सेक्युलर यूनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ये तीन वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए। तो फ्रेंड्स आई होप आई हैव क्लियर योर ऑल कंसेप्ट रिगार्डिंग द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके एक्चुअली प्रियम्बल है क्या, प्रियम्बल इज अवर समरी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, समरी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड आप ये देखिए कि टू डे समिट टू ट्रांसफॉर्म योर सिविल सर्विस प्रिपेरेशन फैब 20 and 21 फरवरी 2021 को 20-21 फरवरी यानी कि वीकेंड पे सैटरडे संडे ये होने वाला है टू डे समिट, जो कि आपके घर बैठे आपके मोबाइल के जरिए आप अटेंड कर सकते हो लाइव लेक्चर, रजिस्टर नाउ। अब इसमें होगा क्या कि आपकी यानी कि क्या बोला गया कि आपकी ट्रांसफॉर्म योर सिविल सर्विस प्रिपरेशन, देखिए ये सारे एजुकेट जो हमारे इंडिया की जो नामवर पर्सनैलिटी है, कैलाश सत्यार्थी नोबल पीस प्राइज मिला इनको लॉरेट में, दीपक गुप्ता फॉर्मर चेयरमैन UPA, देन ये सारे टॉप मतलब पर्सनालिटी आप इनका नाम तो जानते हो, राज्यसभा के टॉप एंकर है जिनका नाम फ्रैंक रोशन परेरा, जो कि अपने जो भी UPSC से मेंस से रिलेटेड टॉपिक्स रहता है पॉलिसी रिलेटेड तो उनकी एनालिसिस करते हैं, राइट। और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स फॉर द UPSC प्रिपरेशन लाइक मृणाल पटेल सर, सुदर्शन गुज्जर सर, मुदित गुप्ता सर, ये सारे लाइव आने वाले हैं, राइट। जिससे अब इसमें होगा क्या कि कौन अटेंड कर सकता है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC एग्ज़ाम दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर और आने वाले सालों में तैयारी कर रहे हो तो आप इसे डेफिनेटली अटेंड कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई भी फीस नहीं है। कि वाई यू शुड अटेन, टू गेट क्लैरिटी ऑन द नेचर ऑफ द एग्ज़ाम, आपको डिमांड देखिए कि UPSC की नब्ज आपको जानना है, UPSC की डिमांड क्या है, और बहुत सारे जो इवन जो एक्स IAS ऑफिसर है और रूलिंग IAS ऑफिसर है वो भी लाइव समिट में आने वाले हैं, लाइव लेक्चर देंगे, जिससे आपको इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलेगा कि UPSC पास करने के बाद एक IAS ऑफिसर की लाइफ कैसे रहती है। टू गेट द टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट द क्रैकिंग द एग्जाम्स, टू गेट ऑल योर डाउट्स अबाउट द एग्जाम एंड क्लैरिफाइड बाय दोज हु हैव क्रैक्ड देम, टू नो द स्ट्रेटजीज एंड प्रिपेरेशन फॉर जर्नी ऑफ द रैंकर्स, राइट। टू मोर अबाउट द लाइफ ऑफ एन IAS ऑफिसर फ्रॉम द ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को बुलाने वाले हैं जिससे आपसे जो आप जिनका इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस आप ले सकते हो, राइट। तो टू इनसाइट फुल डेज रहेंगे, 70 आइकोनिक स्पीकर्स रहेंगे, 20 टॉक्स एंड डिस्कशन होगा एंड 32 हैंड्स ऑन वर्कशॉप। अच्छा, समिट जो होने वाला है एन अकेडमी UPSC समिट विल टेक प्लेस ऑनलाइन एंटायरली, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस समिट इज दैट देर इज अ जीरो ट्रैवल रिक्वायर्ड, आपके घर पे बैठे बैठे आप इंटरनेट के माध्यम से अटेंड कर सकते हो। एन अकेडमी समिट 2.0 इज अ फ्री फॉर ऑल इवेंट, ऑल यू नीड टू डू इज रजिस्टर इन एडवांस एंड अटेंड ऑल द सेशन, आपको सिर्फ क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन होना है, इसकी कोई भी फीस नहीं है। सुबह 10 बजे मिलते हैं, सी ऑन 20 फरवरी सैटरडे 10 AM से स्टार्ट हो रहा है सुबह 10 बजे से। थैंक यू टू अटेंड द फ्री समिट, रजिस्टर करने के लिए ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, इस लिंक पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हो, उसके बाद ये कोड डालना ना भूलिए, राइट। दिस कोड इज MIYT10, ये आपको दिख रहा है ना MIYT10, ये कोड डालना होगा, इसके तहत आप फ्री ऑफ कॉस्ट
एक्सेस कर सकते हो. थैंक यू. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपका प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. इसे लाइक करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मोर एंड मोर आईएएस एस्पिरेंट्स विल गेट